आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले। कभी लवली कभी दीपिका, लेकिन रियल लाइफ में ये है हमारी प्यारी अंजलि। पर्दे पर करती है सिकंदर के साथ डांस, अपनी बेटी से करती है बेहद प्यार, अपनी गाड़ी खुद चलाती है, गाड़ी चलाते चलाते ही नाश्ता करती है और खुद का रखती है ख्याल। लेकिन पर्दे पर जाते ही मेकअप शेकअप लगाते ही बन जाती है कुल्फी की सौतेली मम्मी। सास वो बेटियां आज पूरा दिन बिता रहा है सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाला की लवली यानी अंजलि आनंद के साथ, जिन्हें आप 2.5 किलो प्रेम की दीपिका के रूप में भी जानते हैं। पर्दे की मस्त मौला गोल मटोल लड़की, फिर रियल लाइफ में भी मस्त मौला है। रियल लाइफ में भी मम्मी पापा की प्यारी और पर्दे पर भी प्यारी। भले ही आजकल एक खलनायिका का किरदार निभा रही हो, लेकिन रियल लाइफ में ये बिल्कुल आपके और हमारी जैसी प्यारी सी एक लड़की है जो सपनों की उड़ान भर रही है। तो दीपिका को और करीब से जानने के लिए हम सुबह सुबह उनके घर पहुँचे, बजाई उनके घर की घंटी और उन्हें कहा गुड मॉर्निंग। हाय, हेलो, चलो चलते हैं। दिन आप मेरे साथ रहेगा और देखेगा कि हमारे कुल्फी कुमार के सेट पर क्या क्या होता है। चलिए चलते। ढाई किलो प्रेम के बाद अंजलि आजकल नजर आ रही है कुल्फी कुमार बाजेवाला में। इतने दिन रात की शूटिंग के चलते उनके पास घर जाने का वक्त नहीं, लेकिन आज सास बहू और बेटिया के साथ वो कराएंगी वैनिला सलों में हेयर स्पा। दिन बहुत अच्छा रहा, कल रात को मुझे थोड़ा टाइम मिला अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने के लिए। इट वाज अ वीकेंड, संडे था तो सब बाहर थे, तो आज का लेट कॉल टाइम आया तो मैं आराम से उठी, अपने लिए खाना बनाया। आई थिंक आई डिजर्व अ स्पा, सो लेट्स गो। क्योंकि वो कर रही है अपने दिन की ब्यूटी भरी शुरुआत। मैं एक्चुअली ज़्यादा पार्लर नहीं जाती, मुझे पार्लर ज़्यादा नहीं पसंद है। मैं कुछ नहीं लगाती स्किन हेयर, मैं ज़्यादा केयर नहीं करती। बट आई थिंक जितना हमारे बाल एंड हमारा स्किन दैट गो थ्रू मेकअप एंड द हीट एंड एवरीथिंग, आई थिंक स्पेशली द हेयर, दैट समथिंग मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो आई थिंक आई विल गो फॉर अ हेयर स्पा, तो मेरे बालों को भी वही यू नो स्ट्रेंथ मिल जाएगी। सो आई थिंक दे विल बी बेटर एंड रेडी फॉर द कमिंग हेक्टिक वीक। लम्बे लम्बे सिल्की जे वाल, ओ कुड़ी कौन नचदी, कौन नचदी जिदी कमर ते टैटू है कमाल, ओ कुड़ी कौन नचदी, कौन नचदी जिदे लम्बे लम्बे सिल्की जे वाल, ओ कुड़ी कौन नचदी जिदी कमर ते टैटू है कमाल। वैसे हेयर स्पा दे रहा है अंजलि को भरपूर रिलैक्सेशन। और उनके सिल्की सिल्की बाल देखिए कैसे हेयर स्पा के बाद चमक उठे। अभी तक मेरे बालों में लाल कलर है। थैंक यू संदीप सिकंद फॉर डूइंग दिस। अभी तक मेरे बालों में वो लाल गुलाल है जो आपने मेरे ऊपर 1 किलो डाला था। आई लव यू सैंडी, आई ऑलवेज विल, एंड थैंक यू फॉर हैविंग द बेस्ट होली होली पार्टीज एवर, एंड ये लाल रंग मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। सो सबको लग रहा है मैंने हाईलाइट किए बाल, बट गुड थिंग हम टीवी में छुपा देते हैं। बट अगर मैं आपका शो कर रही होती तो क्या आपको अच्छा लगता? हेयर स्पा तो हो गया, लेकिन अब करते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। भाई क्या करें, हमारे टीवी से तौर के पास घर में ब्रेकफास्ट करने का भी वक्त नहीं। आ गए हैं बहुत सारे क्राउडेड से लोखंडवाला में, जो हमेशा क्राउडेड रहता है। बट कभी ना कभी मैं हिम्मत करके आ जाती हूँ, बिकॉज मुझे ये रोल बहुत पसंद है जो ब्रेड क्राफ्ट से मैं बचपन से खाते आ रही हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था ये रोल पे, ये रोल से। बट हम आज भी वो रोल उसी खुशी के साथ और उसी एक्साइटमेंट के साथ खाते हैं। तो चलिए आज आपके सामने
रोल हो जाए. लेट्स गो. हो स्वीट इज लोनली स्लोली, चलो स्वीट इज लोनली स्लोली. इसलिए दीपिका हमें ले गई वो जगह जहां वो बचपन से अपने फेवरेट रोल्स खाती है. रोल्स पैक किए और गाड़ी चलाते चलाते ही दीपिका ने अपना ब्रेकफास्ट किया. तो ये आ चुका है मेरा फेवरेट रोल और अब मैं इतनी खुश कभी नहीं होती. आई थिंक जब मेरे हाथ में या तो बिरयानी हो या ब्रेड क्राफ्ट का रोल हो. आई लव दिस रोल. आई थिंक ये खाने के बाद आई एम सॉर्टेड रात तक. फिर अगर रात को भूख लगी तो फिर देखेंगे. अब तक लेट्स गो. मेरी बेस्ट फ्रेंड है उत्कर्षा. हम लोग सुबह एवरी सैटरडे गिटार क्लासेस के लिए आते थे व्हेन वी वर इन द 6th एंड 7th ग्रेड. तब से ये रोल खा रहे हैं हम. वो अभी तक वही साइज़ की है. मेरा साइज़ बहुत फ्लक्चुएट हुआ है बट आई जस्ट लव इट. पहली बार उसने मुझे खिलाया था ये रोल एंड मुझे बहुत रॉन्ग इम्प्रेशन होता था कि बहुत ज़्यादा मैसी होगा या क्या होगा, टेस्टी नहीं होगा. बट देन इट वाज सो यमी. वैसे अंजलि को गाना गाने का बहुत शौक है और वो एक ट्रेन कोरियोग्राफर भी है. और गाड़ी चलाते चलाते ही जरा सुना जाए उनके सुर. आया हूँ यारो दिल अपना लेके, आंखों में चेहरा किसी का लेके, आगे का गाना. मैं नहीं गाऊंगी, मेरी किसी खिड़की विड़की टूट जाएगी. आई डोंट इतना नहीं कर सकती. अंजलि के डे का सबसे फेवरेट पार्ट होता है. आई लाइक कि मैं थर्ड पर्सन में बात कर रही हूँ अपने आप से. आई ऑलवेज वॉन्ट टू डू दैट. आई फील सो इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. बट ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम है बिकॉज आई लव ड्राइविंग. मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है. एक चीज़ में अगर मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, बहुत चीज़ों में अच्छी नहीं हूँ, बट ड्राइविंग में बहुत अच्छी हूँ. तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई इन्जॉय ड्राइविंग, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस. बट द ड्राइव टू फिल्म सिटी इज़ वेरी नाइस. इट्स नॉट उतना ट्रैफिक एंड इट्स नॉट दैट बैड. गाने अगर मैं कहूँ, ये टाइम है जो मैं अकेले अपने साथ बिताती हूँ. आई लव, मेरी आवाज़ चली गई है बिकॉज मैं कल कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से गा रही थी. तो मैं गाड़ी में बहुत ज़ोर ज़ोर से गाती हूँ जो सुनाई नहीं देता बिकॉज म्यूज़िक फुल वॉल्यूम पे होती है हमेशा. बट सबसे अजीबोगरीब गाने आप सुनेंगे मेरी गाड़ी में बिकॉज कहीं कोई 1980s का गाना बज जाएगा, कहीं अभी का रॉक बज जाएगा, कभी पहले का कोई रेट्रो गाना बज जाएगा, कभी नया कोई अरिजीत का गाना बज जाएगा. बातें करते करते पहुंच गए हम फिल्म सिटी यानी सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाला का सेट. सीधा चलते हैं अंजलि आनंद के मेकअप रूम में. वैसे मेकअप रूम के बाहर उनकी ऑन स्क्रीन बेटी उनका इंतजार कर रही है जो पर्दे पर उनकी जान है. आइए देखते हैं. इतना कुछ खास नहीं है फिलहाल बिकॉज अभी शूट शुरू हुई है तो अभी तक डेकोरेशन करने का टाइम नहीं मिला है. ये मेरे 2.5 किलो के जैसे रूम जैसा बिल्कुल नहीं है बट अब थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो हम डेकोरेट कर लेंगे. और जैसे आपने अभी मेरी बेटी को देखा होगा, उसने सेम कपड़े पहने तो हम ट्विन करते हैं हमेशा. तो लेट्स गेट इन टू गेटिंग रेडी एंड देन आई सी यू इन लवलीज अवतार. अंजलि चली जाएगी और लवली आ जाएगी जो बहुत कह रही है. तो बी केयरफुल. अंजलि से लवली बनने के लिए देखते हैं कैसा होता है अंजलि आनंद का मेकअप. उनके स्ट्रेट सिल्की बाल हो जाते हैं कर्ली और चेहरे का रंग रूप भी बदल जाता है. वैसे मेकअप से पहले उनसे मिल लेते हैं जो उनकी लाइफ में बहुत खास है और वो है उनकी हेयर ड्रेसर. तो मेरा दिन इस सेट पे शुरू नहीं होता दो लोगों के, तीन लोग एक्चुअली, नितेश, पिंकी और राकेश. नितेश इज़ द पर्सन हु हेल्प्स मी आउट विथ एवरी थिंग. राकेश डज माई मेकअप. आइए. ही इज़ अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट एंड उसको पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए. और 2.5 किलो प्रेम से कुल्फी कुमार तक मेरी पिंकी. पिंकी आई थिंक इज समवन जो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ ही रहने वाली है एंड मैं उसको कहीं जाने दूँगी. मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ. मैं उनके बिना रह नहीं सकती हूँ. अभी ऐसे हो गया कि मतलब एक भी दिन उनके बिना जाए ऐसा अच्छा ही नहीं लगता है.
वो रहते तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, नहीं तो चुपचाप रहती हूँ। I wanna see you wine like Rihanna, get all up on the hum, diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer, she turn me on with a bum, diggy diggy bum bum. आखिरकार अंजलि आनंद का मेकअप और हेयर हुआ पूरा और वो बन गई दिल्ली की पंजाबन लवली चड्डा। हाँ, लवली मॉडर्न है, लवली की बॉडी दूसरों से अलग है, बट लवली अपने आप में कॉन्फिडेंट है और 2.5 किलो प्रेम से बहुत अलग है, पर एक कंटिन्यूटी है जो है मेरी नोज रिंग, जो मैं आई होप कभी यहाँ पे नहीं उनको चाहिए थी स्टार्टिंग में, पर आई डोंट नो हाउ कहाँ से क्या हुआ एंड दे सेड कि नो वी वांट द नोज रिंग। तो आई थिंक दैट हाउ द सलमान भाई हैज़ हिज ब्रेसलेट, आई होप मेरी नोज रिंग भी वैसी हो जाए कि मुझसे कभी दूर ना जाए, एंड इट्स पार्ट ऑफ माई बॉडी नाउ, अभी मेरी बॉडी का पार्ट है, फेस का पार्ट है, विदाउट इट लोग मुझे पूछते थे क्या हो गया, नोज रिंग कहाँ चली गई। तो हाँ, वही एक कंटिन्यूटी है, मेरी स्माइल वैसी है, पर शो में सॉरी मैं इतना स्माइल नहीं कर रही, बट हाँ अंदर से मैं वही अच्छी इंसान हूँ। बट टॉकिंग अबाउट लवली, शी इज़ अ लिटिल नॉट ओवर ड्रेस्ड आई वुड से, शी इज़ जस्ट ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, बहुत मॉडर्न है, डिफरेंट कट्स पहनती है, डिफरेंट काइंड ऑफ पैंट्स पहनती है। ये मेरा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है जो मैं पहनूंगी, तो हम लोग दोनों हमेशा वी आर ऑलवेज ट्विनिंग, बट अभी जो सीन कर रहे हैं आई एम सॉरी उसमें उसे सेम कपड़े नहीं पहने बिकॉज शी इज डूइंग अनदर सीन, बट नेक्स्ट सीन में जो उसने पहना था वी आर वेयरिंग द सेम थिंग्स। तो आप शो में देखेंगे कि कैसे माँ बेटी सेम कपड़े पहनते हैं, सेम नाइट गाउन भी पहनते हैं, लाइक उनका घर इतना ऑर्गेनाइज है। अब अंजलि लवली बन गई है तो जरा इनके हीरो यानी पति देव सिकंदर से भी मिल लें और देखिए क्या हुआ जब अंजलि आनंद मेट मोहित मलिक। भाई दोनों का डांस हो गया शुरू। वैसे मोहित ने आज अंजलि के लिए खास गाना भी गाया। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले। सो ये है मिस्टर सिकंदर सिंह गिल, ऑल्सो नोन एज मोहित मलिक। आजकल सिकंदर सिंह गिल के नाम से ज़्यादा जाने जा रहे हैं बिकॉज द शो इज डूइंग सो वेल एंड एवरीबडी इज लविंग हिम सो मच। सेम टू यू, एंड एवरीबडी लविंग माय वाइफ आल्सो लवली, एवरीबडी इज हेटिंग लवली, दे हेट टू लव मी और दे लव टू हेट मी, दैट्स व्हाट, या सो दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज वी हैव अ कॉमन फ्रेंड व्हिच इज आपके पीयूष मेरजान, जो हम आई थिंक दैट्स हाउ वी, मेरजान वेरी क्लोज टू हिम एंड ही इज वेरी क्लोज टू मी, तो हम सब मिले हुए थे पहले से। ही हैवंट कॉल्ड मी फॉर पास्ट 1 मंथ, आई डोंट नो वेयर ही इज, ही इज नॉट कॉल्ड मी आल्सो, आई डोंट नो वेयर ही इज, बट हां वी विल ब्लॉक हिम, यू शुड डू दैट, आई थिंक ही डिजर्व्स इट, सो बट इट्स ओके, उसको भी लग रहा होगा मेरे दो दोस्त मिल गए पर मैं कहीं हूं नहीं पिक्चर में, बट इट्स ओके। वैसे सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाला में लवली की खास है उनकी बेटी जिसके खातिर कुल्फी की दुश्मन बन गई है। कहां है मेरी बेटी, आ जाओ, अब हम फिलहाल ट्विन नहीं कर रहे क्योंकि हम अलग अलग सीन्स कर रहे हैं, बट हाँ दिस इज माय अमायरा, उसके मुंह पे समोसा और पैटिस है। लेकिन रियल लाइफ में अंजलि और ये नन्ही सी बचकी रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर इज मेरा फेवरेट कलर इज ब्लैक, गोल्ड, रेड, मेनी फेवरेट बट ब्लैक। बट आई लाइक एप्पल, ग्रेप्स एंड बनाना, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी, इट्स ओके, टू आउट ऑफ थ्री, अगेन ट्विनिंग, ओके। एंड आपका फेवरेट ड्रेस, आपको क्या पहनना पसंद है? फ्रॉक, फ्रॉक्स चलेगा, वी ये कॉन्सोलेशन प्राइस चलेगा, मतलब बिकॉज़ वो बच्ची है, मैं थोड़ी बड़ी हूँ ना। वैसे एक और शख्स है जो अंजलि आनंद के बहुत खास है और वो है उनकी ऑन स्क्रीन सास यानी 80s की मशहूर अभिनेत्री विद्या सिन्हा जो रियल लाइफ में अंजलि की गुरु है। ये एक्चुअली सिकंदर जी की मम्मी है, एज आपने देखा होगा, तो दिस इज द गरीब पार्ट ऑफ द हाउस अपेरेंटली, तो मैं एक्चुअली इनसे शो में बहुत रूड हूँ, मैं सिर्फ ये बोल देती हूँ मम्मी मुझे बोलने दीजिए बिकॉज बीच बीच में मम्मी बोलती है मेरे और सिकंदर की और लवली को गुस्सा आ जाता है,
So I'm so rude to her and I'm so rude to everyone. Actually, my heart starts like shivering ki because मैं कभी life में किसी से rude नहीं हुई हूँ. मुझे कोई आके ठोक के भी चला जाएगा मैं sorry बोलूँ. वो गुस्सा कहीं तो निकलेगा ना अंदर का, इतने सालों से bottled up है. शूटिंग के बाद कुछ लम्हों के बीच अंजलि आनंद ने सुनाई अपनी लाइफ की कहानी. अंजलि एक फिल्म फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और उनके माता पिता ने कई फिल्मों में काम किया है. अंजलि मुंबई में अपनी तीनों बहनें और मम्मी के साथ रहती हैं. उनके पापा दिनेश आनंद का कुछ साल पहले देहांत हो गया, लेकिन अभी भी अंजलि ने अपनी सारी फैमिली की यादों को अपने फोन में समेटा हुआ है. आई स्टार्टेड कोरियोग्राफी क्योंकि मुझे डांस का बहुत शौक था, पर एक्टर बचपन से बनना था. मेरे डैड एक एक्टर है, आई डोंट नो बहुत लोगों को पता होगा कि नहीं, बट वो 18 साल पहले उनका देहांत हो गया. एंड तो बहुत बहुत मैं बहुत छोटी थी, ऑब्वियसली मैं 6-7 साल की थी. एंड काफ़ी मूवीज़ की है उन्होंने, तो वहीं से वो फैसिनेशन शुरू हुआ कि मुझे भी यही करना है. एंड आई डोंट नो मॉम वुड अंडरस्टैंड, सिस्टर्स वुड अंडरस्टैंड और नॉट. दैट्स व्हाई मुझे अपना पहले एक बेस बनाना था कि मैं कुछ खुद करूँ, कि इफ कैन आई डू इट और नॉट. एंड आई डोंट वांट टू टेक डैड्स नेम. तो लकीली संदीप सिकंद केम इनटू माय लाइफ राइट व्हेन आई फ्रॉम कोरियोग्राफी आई वांटेड टू माइग्रेट इनटू एक्टिंग. तो आई थिंक बोलते ना, इफ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. एंड आफ्टर सर्चिंग for Deepika and hundreds of women, I think he saw me and then he found that one girl who could play Deepika. And Deepika bhi banne mein mujhe bahut time laga. I think school time se mera screen saver yahi raha hai aur kabhi aur kuch nahi hoga. Mera bhagwan, mera sab kuch, jo kuch bhi the most important thing bolo to I think is dad. To you know, phone ko dekhte hi if you see to उनकी जो शक्ल दिख जाती है, ऐसा लगता है वो है साथ. ये फोटो एक्चुअली मेरी बहन ने मॉम की एक रीसेंट फ़ोटो मुझे भेजी थी. सो माय मॉम यूज्ड टू डांस विद सरोज खान जी एंड एवरीबडी, एंड शी यूज्ड टू बी इन एवरी अमिताभ बच्चन सॉन्ग. ही यूज्ड टू लव हर. एंड मॉम इज फ्रॉम द इंडस्ट्री एज वेल. तो आई थिंक अभी मेरी बहन ने मुझे ये फोटो भेजी उस दिन एंड शी वॉज वॉचिंग माई नेम इज़ एंटनी गोंसाल्विस. So mom is in every Amitabh Bachchan song. My mom is a fabulous dancer. So I think I find myself luckiest because mom was a dancer, dad was an actor, and I got to do both the things. Those are my two sisters in order of appearance: Jaya, Neha, Anjali. So hum ye gana bhi gaate hain ki ek jagah jab jama hoti na Jaya, Neha, Anjali. So ha. So actually, tino kafi similar bhi dikhte hain. But everybody knows Jaya is the prettiest, even though we don't like to, you know, admit to it. We know it, but mom is actually the prettiest. Dad and me with my straight hair again, looking like a helmet. मेरे straight बाल इस दुनिया की बहुत बड़ी problem है, जो आज तक hairstylist की नींदे उड़ा रहे हैं कि इसे curl कैसे करें. पूरे दिन की shooting और भागम-भाग के बाद अब वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का. तो उम्मीद है 2.5 किलो प्रेम की अंजलि और कुल्फी कुमार बाजेवाला की लवली के साथ पूरा दिन बिताकर आपको इन किरदारों के पीछे अंजलि आनंद की जिंदगी के बारे में कुछ अनजानी बातें पता चली होंगी, जो आपको बताई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया ने. थैंक यू, दिस इज सो नाइस. एंड हाँ, बस हंसो जियो मुस्कुराओ. क्या पता हम कल भी होंगे, परसों भी होंगे, तरसों भी होंगे. चलो, थैंक यू सो मच. कैमरामैन हेमंत के साथ नुपुर वाची, मुंबई आज तक.